नमस्ते फूडीज, कृपया ध्यान दें, फूडी होने के नाते इस वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और आज हम अपनी फूडी फैमिली से एक दरखास्त करना चाहते हैं, इस वीडियो को इतना लाइक करें कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। हेलो फूडीज, फूडी वी में जमीन की तरफ लेकर गए कुछ लोग, कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय। जो अविश्वसनीय चीज हम करने जा रहे हैं ना, वो है बहुत ही ज्यादा क्रेजी, क्योंकि आज होने वाला है चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। और कोई ऐसा वैसा चीप वर्सेस एक्सपेंसिव नहीं है, इसके अंदर इंक्लूड होगी बाजारू पैकेट वाली चीजें और रेस्टोरेंट वाली स्वादिष्ट चीजें। आए हाय हाय, आए हाय हाय। तो भाई साहब, सबका ना अपना अपना बजट होता है खाना खाने का। कई लोग रेडी पे खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग फाइव स्टार होटल में जाके भी खाना खाते हैं। तो आज पता लगेगा कि वो जो सेम चीज रेडी पे मिलती है और वही जो सेम चीज फाइव स्टार होटल में मिलती है, उसके स्वाद में, उसकी पैकेजिंग में और उसकी हाइजीन में क्या क्या फर्क है। अगर इन दोनों की एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई हो तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नहीं करते हैं लाए बिल्कुल भी शकीरा के हिप्स, नहीं करते हैं लाए बिल्कुल भी शकीरा के हिप्स। हम पहले ट्राई करेंगे सस्ते और महंगे चिप्स। कोई मामले चिप्स नहीं, कॉर्न वाले चिप्स। पर मुझे एक चीज बता, शकीरा के हिप्स के साथ तूने वार्तालाप कब की है? गाना गाया था उसका, हिप्स जोड़ दिया है। तो जी, ये है टीजीआई फ्राइडे का चिप्स का पैकेट, जिसकी कीमत है मात्र रुपीज 385। इतना महंगा चिप्स। ये हमारे पुराने प्यारे हली गुली के बड़े से पैकेट में आए हुए चिप्स, जिसकी कीमत है मात्र 40 रुपए। 40 रुपए भी इसकी अब हो चुकी हुई है, प्राइसेस थोड़े से बढ़े। पहले ये 20 रुपए के करीब का पैकेट होता था, 25 का होता था और साइज इतना ही था। वैसे ये नहीं बोल सकते कि बहुत प्रीमियम पैकेजिंग है या कुछ है, नॉर्मल पैकिंग है। खुशबू सुन क्यों ऐसे लग रहा है खराब से हो गए हुए हैं? सच्ची में ये इंपोर्टेड चीजों पे मुझे भरोसा नहीं होता जल्दी। तुम दोनों खाओ, ये मुझे सस्ते वाले दो यार। यार ये ट्राई तो कर ले पहले, टेस्ट खराब करके फिर स्वाद वाले खा लेंगे। तो जी, इसका जो फ्लेवर है ना वो है मैक एंड चीज, पर जो इसकी खुशबू है ना वो है जैसे कि किसी फार्मेसी में पुरानी दवाइयां पड़ी हुई। सही बात टेस्ट में, ओके टेस्ट में वो दवाइयों का फ्लेवर नहीं आ रहा, खुशबू नहीं, खुशबू ये थी इसकी गंदी सी। फ्लेवर वाइज देखा जाए ना बहुत लाइट सा है, ऐसे नहीं बोले कि चीज का पूरा फ्लेवर आ रहा है या कुछ है। बट मैं ये खाऊंगा नहीं, मैं भी नहीं। जैसे बचपन में हमने देखा चीज बॉल जाती थी, वो तो इससे लाख गुना अच्छी है भाई, उसमें चीज का फ्लेवर आता है। ये थोड़ी, वो तो मैंने बहुत खाई है चीज बॉल। यार इसका साइज भी बड़ा है, इसका क्वांटिटी भी ज्यादा है, कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। दोनों का कंपैरिजन देखो ना, देखो खुशबू भी ज्यादा बेटर है यार ये, मतलब नहीं 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 बहुत फर्क। देखो हुलिये में तो वो जीत गया। चीयर्स। ओ ये बेटर है, इसमें चीज का फ्लेवर ज्यादा आ रहा ये है, ये ज्यादा अच्छा है यार, बल्कि ये ज्यादा प्रीमियम लग रहा है सच में, ये ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। दोनों कंपनी ने दावा किया है कि ये हेल्दी है, ये बेक्ड है तो वो भी बेक्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें एक्स्ट्रा चीज है जो इसको महंगी बना रही है। कॉस्ट तो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारा अगला चीप वर्सेस एक्सपेंसिव का प्रोडक्ट है ना, उसे ट्राई करने के लिए हम निकले हैं घर से बाहर। और इन द मीन टाइम ना, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो हमने रिसेंटली डिस्कवर किया है, विच इज रीलेवल बाय अनअकैडमी। पिछले 2 साल ने ना जॉब मार्केट और हायरिंग को ऊपर नीचे कर दिया था, पर एक चीज जो सबके समझ में आई वो ये थी कि आप कंट्री में से ना कहीं से भी अच्छे कैंडिडेट्स हायर कर सकते हो। और रीलेवल इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप एक सिंपल सा टेस्ट देके अपनी स्किल्स प्रूव कर सकते हो और क्वालिफाई होने पे आप इंडिया की बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब ले सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे टेस्ट फ्री है और ये 13 टेस्ट से आपको सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर भी करवा रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने 3 नए टेस्ट लॉन्च किए हैं जो हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल मार्केटिंग। और री लेवल ने आज तक 16 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब डिलीवर किए। इस टेस्ट के सभी राउंड ना ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं और जिन लोगों ने पहले री लेवल पे रजिस्टर किया हुआ है ना उनके लिए तो और आसान हो जाता है, क्योंकि री लेवल ने कर दिया है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 700 से 500, तो आपके लिए क्वालिफाई करना और ज्यादा इजी हो जाता है। और इतना ही नहीं, आप अपने टेस्ट की डेट खुद डिसाइड कर सकते हो। और कैंडिडेट्स के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए री लेवल हर महीने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को गुडीज भेजता है और top 3 कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स भेजता है। तो री लेवल का जो लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो जी आ चुके हैं हम 5 स्टारा होटल में, और 5 स्टारा होटल होएगा तो चीज महंगी नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा महंगी होगी। तो हमने ऑर्डर कर दिया यहाँ पे सैंडविच, और सैंडविच में ना ऑप्शंस की भाई साहब कमी होती है। मैं तो ये हैरान हो गया भाई, जो ऑर्डर ले रहा था वो जो लफ्ज बोल रहा था क्या वो डिक्शनरी में होते भी है या खुद से बना के बोल रहा है कि उसको पता है किसी को समझ तो आएगा नहीं। पर एक चीज जो मुझे अच्छी लगी ना, भाई ब्रेड की ऑप्शन, सब्जियों की ऑप्शन, और यहाँ तक पूछ लिया सर आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। ये चीज अच्छी है, कम से कम कॉस्ट ये जस्टिफाई करते हैं। कॉस्ट आपको थोड़ी देर में बताते हैं, एक बार हमारा सैंडविच आ जाए। हाँ। तो जी हमारे चीप और एक्सपेंसिव सैंडविच दोनों के दोनों रेडी हो चुके हुए हैं। ये इस टाइम पे आप देख रहे हो भाई साहब हमारा सस्ते वाला सैंडविच, और मुंह में ना इतना पानी आ रहा है इसको देख के। सही बात है, और ये हमने टेक अवे कराया था महंगे वाला सैंडविच, क्योंकि उन्होंने हमें अंदर शूट करने भी नहीं देना था, बिल्कुल नहीं करने देना था। और इसकी पैकिंग आप देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बस स्टॉप पे सैंडविच नहीं मिलते, ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड वाले, कहीं पे भी मतलब किसी भी फूड आउटलेट वगैरह पे जाओ वो टेक अवे वाला सामान नहीं होता, वो उस टाइप की पैकिंग है। मतलब इतने ज्यादा पैसे दिए हैं, थोड़ी पैकिंग प्रीमियम हो सकती थी। और एक चीज, इन्होंने ना इसके साथ प्लेट्स दी ना कोई चम्मच, मतलब कुछ नहीं दिया कि आप इसको खोल के प्लेट में डाल के खा सको। और इस पे उनका ने स्पेशली कराई थी मल्टी ग्रेन ब्रेड, क्योंकि मुझे लगता था वो नॉर्मल ब्रेड से महंगी होती। भाई साहब ये तो इसने ब्रेड का आखिरी वाला हिस्सा लगा दिया है क्या, मुझे ही लग रहा है। नहीं नहीं लग रहा है तुम्हें, ये थोड़ा वो किया हुआ है इन्होंने, ग्रिल किया हुआ है। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है ना महंगे वाले सैंडविच की, वो है मात्र 800 रुपए भाई साहब, बहुत ज्यादा। और उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने साथ में फ्रेंच फ्राइज भी दी है, जो फ्रेंच फ्राइज का है, बट फिर भी ना कॉस्ट जस्टिफाई नहीं हो रही, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है ना क्वांटिटी वाइज में अगर देखो ये ज्यादा लग रहा है, दैट इज 60 रुपीज। तो जी सबसे पहले जो है ना अपना महंगे वाला सैंडविच खाते, क्योंकि सस्ते वाला ना वैसे ही हमने बहुत बारी खाया है। ओए ये फ्रेंच फ्राइज कितनी ज्यादा दे दी उन्होंने, मतलब वो खुद जब डब्बे में डाल रहे थे उनको खुद को एक बारी, तो बहुत कम है यार। यार ये तो ये फ्राइज देख के तो मेरा सच्ची दिल टूट गया, मतलब एक होता है ना बंदे को स्वाद नहीं लगा, चलो अलग चीज है, दिल टूट गया। चलो अब ऐसे ही खा के देख लेते हैं यार, सारा मूड खराब हो गया। इससे बढ़िया सैंडविच ना मैं घर पे आंखें बंद करके बना लूं। सही बात है, इससे सैंडविच मुक्ते मुक्ते घर पे खिला देती है मेरे को। रेटिंग कितनी दोगे 10 में से? मैं रेटिंग देना ही नहीं चाहता इसको, क्योंकि महंगा इतना ज्यादा है ना। पता क्या, यही चीज मेरे को 30 रुपए में मिलती ना तो मैं रेटिंग देता, पर ये मेरे को 800 रुपए मिल रही है, रेटिंग का कोई तुक नहीं बनता। और ये हम बताते हैं हमने JW मैरियट से लिया है, तो ये सैंडविच है 30 रुपए की वर्थ है। मैं मानता हूँ ब्रेड दूसरी महंगी वाली लगा रखी है, बट स्टिल नॉट वर्थ इट, नॉट एट ऑल। तो जी अब जाके असली सैंडविच जो सैंडविच की कैटेगरी में आता है वो खाते हैं। यार ये ना 60 रुपए में इतना भर दिया अंदर से कि माल गिर रहा है बाहर को। चीयर्स तो किया ही नहीं भाई, उड़ीवी की परंपरा तोड़ दी तुमने। चलो तुझे पता ही नहीं लगा मैं चेज कर भी लिया था, गजब मूल बेड़ू सैंडविच है। सॉसें ऐसे डाल रखी हैं दबा दबा के, थोड़ा सा अनहेल्दी उसकी वजह से हो जाता है। हाँ। बट भैया को बोल दो ना थोड़ा लिमिट में रखो, तो ये हेल्दी भी हो सकता है। हाँ। क्योंकि पनीर है इसमें, कॉर्न्स है, प्याज है, सब कुछ दबा के डाल रखा है। रेटिंग 10 में से ये तो भाई 9 out of 10 है सच्ची में, क्योंकि कॉस्ट इसकी 60 रुपए के हिसाब से इट इज वर्थ इट 100%, बिल्कुल वर्थ इट। मुक्ति हर किसी को धमकी देती है कि मार दूंगी मैं तेरे मुक्की। मुक्ति हर किसी को धमकी देती है कि मार दूंगी मैं तेरे मुक्की, और अब हम ट्राई करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की कुकी। तो जी ये कुकी मेरे ख्याल से हर किसी ने देखी होगी स्टोर वगैरह पे। हाँ। गुड्डे की बहुत ही नई पेशकश है ये। हाँ। और इसका कंपैरिजन हम करने वाले महंगे पदार्थ के साथ, पदार्थ इसका नाम है चिप्स अहोए एक्स्ट्रा। तो इसकी जो कॉस्ट है ना वो है मात्र ₹ ओ भाई साहब 495। अरे 500 रुपए भाई, 495 की मैं टी शर्ट भी खरीदता हूँ ना तो घर वाले बोलते हैं महंगी आ गई। ये कहाँ 60 रुपए के, ये कहाँ 500 रुपए के, 500 रुपए का तो केक आ जाता है, पार्टी हो जाती है। ब्रिटानिया का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में से एक है, प्रोडक्ट में है। डब्बे की पैकिंग क्वालिटी इज वेरी गुड, उसके बाद बिस्किट का हुलिया इज ऑल्सो गुड। हुलिया एक ऐसा है जैसे किसी कुक ने घर पे बनाया हुआ, हैंडमेड लग रहे हैं बिल्कुल ये। ओहो पैकेट में पैकेट, अब्बा देखो ब्रिटानिया वाले ना समझते हैं कि वो महंगी चीज बेच रहे हैं तो बंदा बहुत हिसाब से खाएगा, तो अलग अलग पैकेट बना दिए हुए हैं। ये देखो इसकी हुलिया कुछ इस तरह है, इसमें चोको चिप वगैरह कम दिख रहे हैं कंपैरेटिव टू डैड। देखो कंपैरिजन में तो सच्ची बोलूं महंगे वाला जीत रहा है, ये 2 के बराबर 1 है। हाँ। ये जैसा सबवे में कुकी मिलती है ना उस साइज की है ना, महंगे वाला खाते हैं। क्योंकि ना अगर चीज स्वाद हुई तो वो चीज स्वाद नहीं लगेगी, बट अगर नहीं हुई तो वो चीज बहुत स्वाद। बस 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 हमें कुछ नहीं समझ में है तुमने क्या बोला। चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है। चोको चिप में मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे चॉकलेट मुंह में जाके घुल रही है,
सही बात है, गर्मी है उनका, सब पिघल रहा है, बात सब खुल रहा है। गुड डे, ये रहा हमारा सस्ते वाला बिस्किट। चीयर्स 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 चीयर्स। क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, चॉकलेट की यार, ये भी अच्छा है, इक्विवेलेंट गुड है, इक्विवेलेंट गुड। ये थोड़ा क्रंची है, वो थोड़ा सॉफ्ट था, जैसे एकदम कुक ताजा ताजा बना उस टाइप का। ऐसा नहीं है कि ये उससे ज्यादा अच्छा है, ये उससे कम अच्छा है, इक्वल है, दोनों बहुत अच्छे हैं। फर्क है टेस्ट में, थोड़ा बहुत सा फर्क है, पर अच्छे दोनों ही हैं। बस मेरे को लगता है कोई 500 रुपीस के बिस्किट जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। इफ इट वाज अराउंड 150-175 तो मैं फिर भी सोचता कि कुछ प्रीमियम ऑडियंस इसे लेगी, तो इसमें भी चीप वाला भी जीत रहा है और एक्सपेंसिव वाले दोनों हार चुके हैं। आई हेट पीपल हु आर फेक। अब हम पिएंगे मैंगो शेक। तो जी अगले कंपैरिजन के लिए ना, महंगी वाली चीज जो है वो हम पहले खरीद के ले आए हुए, अब सस्ते वाली बनवा लेते हैं, जो कि ऑल टाइम फेवरेट होती है हमारी। इससे पहले काफी लोगों को लगे कि ओंकार ने हाथ में कॉफी पकड़ी हुई है, देन कॉफी नहीं है, वो है मैंगो शेक। तो ये जो मैंगो शेक आप देख रहे हो ना, इसकी कीमत है मात्र ₹60, पर मुझे ऐसा लग रहा है ₹40 का तो फ्रूट्स ही डाल दिए हुए हैं, और ये बना है फ्रेश मैंगो से भुक्ति। ये देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, दुख हो रहा है मुझे ये देख के, मतलब इसके लिए प्रॉपर ग्लास भी नहीं है, जूस वाला ग्लास नहीं है, ग्लास ही कॉफी वाला है, ऊपर से क्वांटिटी इतनी। अब मुझे ये देखना है इन्होंने ₹300 में दिया क्या है। 300, 400 यार आज ना इतने बड़े बड़े शौक लग रहे हैं ना मुझे। है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास लाओ एक बारी, ये वाला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये तो सच्ची में पानी जैसा है, फीका कितना है। मैं क्या टेस्ट करूं पहले? तू ये टेस्ट कर पहले, हां कि अगर स्वाद खराब हो जाए तो वो खा सकते। हां फ्लेवर ये जो है ना, क्या है ये, जैसे टॉफी नहीं आती मैंगो फ्लेवर की, सेम डिटो वही, इतना मीठा और आर्टिफिशियल फ्लेवर। ये देखो इन्होंने सब कुछ डाला हुआ है, केला भी डाला हुआ है, चेरी भी डाली हुई है, मैंगो भी डाला है, अंगूर भी डाला है, ग्रेप्स भी डाले हुए हैं, और वो चक्कर में डाल दी हूं लग रहा है, कोकोनट का पाउडर भी डाला है, अंदर रोजा भी डाला है। हाय हाय हाय, क्या नहीं डाला है ये पूछना चाहिए हमें। कैसे ये असली मैंगो शेक आज ना मेरा, ये जो जितनी महंगी चीज है ना, दिल तोड़ रही है। पर दूध का दूध और पानी का पानी तो हुआ ना, लोगों को भी पता लगा कि सस्ती चीजें जो है ना वो असली चीजें है, ये महंगा आर्टिफिशियल, पता नहीं किस बात के पैसे दे रहे हैं। पानी का पानी, सच में ये इतना थिक है और ये सच में पानी है। तो जी अपनी ये महंगी वाली चीजें जो है ना, इसकी वजह से खर्चा हमारा जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका हुआ है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सस्ते वाली चीजें है ना वो ऑलवेज बेटर ही रहती है, मतलब कई बार हो सकता है महंगी चीज बेटर हो, पर हमारे साथ आज अभी तक तो नहीं हुआ है, तो मतलब हमारे खर्चे के लिए जरा वीडियो को लाइक कर देना, और अभी हम आपको और सस्ती महंगी चीजें दिखाते हैं। कुर्ते पजामे के साथ पहनने पसंद है मुझे लोफर। वाह क्या बात है, क्या बात है। और अब हम ट्राई करेंगे चीप वर्सेस एक्सपेंसिव वेफर। तो हमने ना इतनी ज्यादा महंगी महंगी चीजें ट्राई कर ली हुई ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि मुक्ति तो अपनी आंखों में बांध पट्टी और फिर हमें बता कि कौन सी चीप है और कौन सी एक्सपेंसिव, मतलब पता लग जाएगा ना कि क्या ये गेस कर पाती है या नहीं। बिल्कुल, चल भाई बांध ले, दोनों एक साथ खोलना और ऐसे 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 शफल करना, फिर मुझे खिलाना। और कोई मैम ख्वाहिश आपकी? बस दैट्स, ये देख खजाना निकला अंदर से, इसके अंदर कपड़े पैक कर, देखो क्या देख रहे, चीटिंग ना कर, चीटिंग कर रही है, देखो डायरेक्ट ही निकल गया, इसमें तो खजाना भी नहीं निकला अंदर यार। एक वो थोड़ी सी पैकिंग वगैरह तो करने की जरूरत थी इनको, ये एक पैकिंग, इसके बाद दूसरी पैकिंग। वाह क्या हो रहा है, देखो साइज वाइज कंपैरिजन करते हैं हम, दिस इज बिग, और जो एक्सपेंसिव है उसकी एक बारी कॉस्ट बता दे यार। इट इज ऑफ 195 रुपीज, और दिस इज ऑफ 50 रुपीज। ये भी देखा जाए ना, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे ही है, बट इसके कंपैरेटिव तो सस्ती है। बट एक सच्ची बात बताऊं तुम्हें, इसमें ज्यादा क्वांटिटी है, हाँ, क्योंकि इसमें डब्बा नहीं डाला इन्होंने, डब्बे के अंदर पैकेट नहीं डाला। तो चलो भाई पहले खुद ही खा लेते हैं, मुझे पहले इसको खिला देते हैं। अच्छा तो की बात अच्छा, ये ले आकर क्या कहना चाहेंगी मोहतरमा, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कंफ्यूज हो गए, देना कैसे दोनों? जो ये वाला है ना, ये थोड़ा मिल्की सा है। अच्छा। पर सच तो मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं पता चला, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता चला। तो फिर पट्टी खोल ले, देखो जो क्रंची फैक्टर है ना, वो मुझे लग रहा है ओरियो में ज्यादा है। हाँ ओरियो में क्रंची फैक्टर है, बट सच्ची बताऊं मुझे स्वाद ये लगा। ये मिल्की टेस्ट इसका, अरे ये स्वाद है यार, मैंने ये टेस्ट नहीं किया अभी तक, सच्ची में ये बहुत स्वाद है, बहुत ज्यादा स्वाद है। क्यों खर्च रहे हो इतने पैसे यार, अच्छी बड़ी सस्ती चीज जाती है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें ट्राई की है यार, जितनी भी चीजें ट्राई की है, सारी वो जीत रही है जो सस्ती है।
तो जो लोग अमीर होते हैं ना वो पैसा तो कमा लेते हैं पर अपने टेस्ट बड्स गवा देते हैं। क्रिकेट में होता है एक बैट, क्रिकेट में होता है एक बैट, एक होती है बॉल, वाह, और अगली चीज जो है वो खाएंगे हम स्प्रिंग रोल। मतलब क्या बात है। अभी ना आखिरी चीज जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है स्प्रिंग रोल, और ओंकार ने ना महंगे वाले स्प्रिंग रोल ले लिए हुए हैं। आज ओंकार का शायद बजट बहुत ज्यादा है। इसी बात पे मुझे शायरी याद आ गई, इतनी महंगी चीजें ले रहे हैं हम, कहीं हो ना जाए झोल। वाह, ये है स्प्रिंग रोल। वाह, ये मैंने वाह बोल दिया, बट बेकार शायरी थी। अब ना लोकल देसी अपना रेडी वाला स्प्रिंग रोल लेते हैं। तो भाई साहब हमारी सस्ती वाली स्प्रिंग रोल की प्लेट हो गई है तैयार, बट अनोखी बात यह है कि 400 रुपीस के स्प्रिंग रोल बहुत होते हैं। कैसे 400 यार। कैसे होंगे, मतलब ये तो हमने खाए, ये तो सबने खाए, बट ये कभी नहीं खाए। मुक्ति पोस्टमार्टम कर दे इसका, और ये वेज कराए कि मैं मुक्ति ओंकार तीनों खा सके, तीनों टेस्ट कर सके। हाँ। सारा कुछ ही वेज हुआ है, सारा कुछ वेज हुआ है। मैं तो ये 400 में चार टुकड़े। और वैसे यूजली आपको स्प्रिंग रोल मोमो की रेडी पे मिलेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं चटनी के, कई बार तीन भी मिल जाते हैं, हरी चटनी, लाल चटनी और मेयोनी। तो मुक्ति ये लो अपना महंगा सा स्प्रिंग रोल। थैंक यू सो मच। इसको तो खाते हुए ना, इसको ना सुनियारे की दुकान पे मिलना चाहिए। लेमन ग्रास का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बट स्प्रिंग रोल का फ्लेवर ही नहीं आ रहा। ना ये क्रंची है, अंदर सब्जियाँ अच्छी डाली हुई हैं, कॉर्न डाले हुआ है, वेजी सारी डाली हुई हैं, अच्छी अच्छी पूरी बड़ी बड़ी साइज डाली हुई हैं, बट टेस्टी नहीं है। नहीं, 400 तो कहीं से नहीं है। और सच्ची बताऊँ कि दीज आर नॉट स्प्रिंग रोल, दीज आर सिगार रोल्स। यस, तो ये चीज़ भी अलग है, तो स्प्रिंग रोल के नाम पे सिगार रोल बेच रहे हैं। ये तो गलत बात है। गलत बात तो है। हाँ? क्या कर? ये होते हैं असली स्प्रिंग रोल जिसके ऊपर ऐसे 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 करके मसाला छिड़का हो और साथ में वो पाइल्स वाली चटनी। पाइल्स वाली चटनी और साथ में पाइल्स को ठीक करने वाली चटनी और मीठी चटनी। और ये जो मसाला है ना, अगर भैया ये मसाला ना छिड़के और ये मसाला अगर गलती से खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से लोग खाना बंद कर देंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, अच्छे होने वाले। ये तो हमने बस आपके लिए और अपने स्वाद के लिए ले ली है। और ये प्लेट है 30 रुपीज की, 30 रुपए, मात्र 30 रुपए, और कहा वो 400 रुपए के। और इस वीडियो में ना मैंने ये लगाया कि आज की वीडियो में सारी चीजें जो सस्ती थी वो बेटर थी, वो अच्छी थी, वो बेस्ट थी। इनफैक्ट यार मजा आ गया खाके, सीरियसली। और गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं इस वीडियो को समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारे वीडियोस कैसी लगती हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना पूरी के नाम से। बाय बाय।